That is exercise 7.1. It says that three हो गया ना three chapter yes sir four fifth भी हो गया fourth chapter चलो okay now these are two parallel lines which are L and M and other two parallel lines. These are P and Q. चलिए AC joins their intersection point and B and D are other intersection points. कितना दिया है तो given में है कि L is parallel to M, P is parallel to Q. To prove प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीडीए. देखो एबीसी कह रहा है ओके तो प्रूफ एक बार देखो ये वाला एंगल आपको किसके इक्वल 60 लग रहा है ये जो इसके इक्वल लग रहा है तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस ऐसा आपको लग रहा है क्यों क्योंकि एक जेड बन रहा है ना ऐसे जेड बन रहा है तो ये एंगल आपको इसके इक्वल लग रहा है. ये बताओ ये एंगल मान लीजिए मैं ऐसे चलूं तो ये किसके इक्वल लग रहा है इसके उधर कर टॉवल ले लो बाल तो भीगे नहीं तुम्हारे नहीं थोड़ा सा टॉवल ले तो थोड़ा सा नेगलेक्ट करने से तबीयत खराब हो जाती है ना सूख जाना चाहिए. ये देखो प्रूफ में देखो यही लिखो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल सीडीए ठीक है एबीसी एंड सीडीए चेक करो तो ये एंगल कौन सा है बताओ बीएसी ऐसे चलना BAC ठीक है और ये कौन सा है बताओ DCA वैसे ही चलना चेक कर लो DCA वही एंगल आएगा ही हाँ तो देखो एंगल BAC ये किसके इक्वल है DCA BAC किसके इक्वल है DCA ये ऐसे चलो तो ये वही उसी ऑर्डर में भी है BAC DC है, C एंगल है ना? पूछो, ला उसको दे दो, बाल पूछ लो. ये बात समझ में आई कि नहीं? DCA, DAC, उसी ऑर्डर में चलना पड़ेगा. अगर आप B से A चल रहे हो, और फिर C तो यार D से C, और यही इधर लिखा, तभी तो वो एंगल आएगा. एक एंगल और बोलो श्रेष्ठ, तो मुझे पता चल गया, तुम्हें पता चल गया. B C A is equal to सही है तुम तो अच्छा बता रही B C A और D A बिल्कुल उसी ऑर्डर होता है that is D A C. अच्छा अब देखो मैं इसमें A ऐसे लगाना चाहता हूँ तो इसकी जो A C साइड है सृष्टि बताओ वो किसके इक्वल है A C सी है कि नहीं क्योंकि जब इधर से तुम ए से सी चल रहे हो तो इधर कैसे चलोगे सी ए तो ए सी इज इक्वल टू सी ए. हाँ निष्का इन दोनों के जरा रीजनिंग बताओ जस्टिफिकेशन जस्मिता सृष्टि अल्टरनेट यहाँ देखो ना इधर देखो अल्टरनेट में नहीं लग रहा तो दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिस इज अगेन एक और बताओ जस्मिता ये किसके कॉमन
अब देखिए ए एस ए डॉट से चल रहा डॉट साइड क्रॉस ए एस ए तो भाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया या रूल ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी सी बस समझ आ गई। अब देखो नाउ ये तीन चीजें मान्य बताओ बता तीन चीजें एंगल बी ए सी एंगल बी सी ए एंगल बी CA is equals to angle DAC. Angle DAC. Sir, AC is equals to CA. AC is equals to CA. Abhishek, batao. Sir, DAC. DAC equals to CD. तुम इस ए एंगल को किसके इक्वल करना चाहते हो ए एंगल को सी के ना तो सी बीच में रखो तुम तो सी शुरू में ही बोल दे रहे हैं बी सी डी बी ए सी किसके इक्वल है अर्थित बताओ एंगल डी सी ए कौन बोलो अर्थित बी सी ए तुम तो यहाँ बी सी ए चल रहे हो यहाँ किस हिसाब चल रहे हो यहाँ ऐसे चल रहे हो उसी तरह चल रहा ना बी ए सी वैसे भी जब तुम बी सी ए ले रहे हो तो यहाँ ए बीच में आना चाहिए जब यहाँ ऐसे चले तो वहाँ ऐसे चले और बोलो एक और चीज तो बोलो ए ऐसे है ना साइड भी तो बोलो कोई बोलो मैं हमको बताओ AC is equal to CA. अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 से पहले हम लोग 7 करेंगे तो 7 के बाद 6 अच्छा होगा ऐसा दिया है देखो एक ये ट्रायंगल ऐसे ऐसा ट्रायंगल ठीक और ये ट्रायंगल है एक ऐसा ट्रायंगल तो एक ऐसा ट्रायंगल और एक ऐसा सही दिस इज एपीई या एपीडी ए पी डी और दिस इज बीपीई बीपीई अच्छा ये दिया है कि ये एंगल इसके इक्वल है इतना ही दिया है और ये भी दिया है कि जो पी है वो ए बी का मिड पॉइंट है और क्या दिया है दैट इज ई पी ए इस डी पी बी भी दिया है और बी ए डी बी ए डी ये दो एंगल भी इक्वल है क्या क्या दिया बताओ इवन है कि एंगल ए किसके इक्वल है एंगल बी के और देखो साथ में एपीई किसके इक्वल है देखो एपी किसके इक्वल है बीपीई और एपी किसके इक्वल है बीपी यानी पी मिड पॉइंट दे रहा है इतनी चीज दे रहा है टू प्रूव करना है कि ट्रायंगल डीएपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ईपीबी ट्रायंगल डीएपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ईपीबी प्रूफ देखिए देखो शानवी इस इधर देखो शानवी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दो ट्रायंगल दिए हैं एक ये ट्रायंगल है और
ये इसके इक्वल है, ये इतना, ये पी मिड पॉइंट है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल। तीन चीज समझ में आ गई। अब आपको प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रूएंट है, समझ में। ए पी ए पी ए ए पी ई है, ई पी ए और डी पी पी। अच्छा वही देखिए, देखिए आता है ई पी ए, ई पी ए, मैंने ए पी ए लिख दिया, पी पी ए लिख दिया, उसमें ई पी ए और दैट इज डी पी पी, सही है। और ए और बी पर और कुछ इतना ही है ना, मैंने ये लिख दिया था यहाँ से, मैं आपको वहाँ से मान, कोई दिक्कत नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है। चलो मैं इसमें पल ए ऐसे लगाना चाहता हूँ, ए एस, लेकिन ए एस ए के लिए फिर ये एंगल पूरा होना चाहिए था, पूरा तो नहीं है ना। अगर मैं इस एंगल को एस एक्स मान लूँ, ठीक है, और इसको लिखो इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई पी डी, एक एंगल तो मुझे एक इसके इक्वल मिल गया डी के। अच्छा ऐसा है, डी ए पी, डी ए पी और ई पी डी, ई डी पी, इसको ठीक करो, ई पी, देखो एक इसके इक्वल मिल गया डी के। अच्छा ए पी साइड किसके इक्वल मिल गई, ए पी तो बी पी, ए पी इज इक्वल्स टू बी पी। अब देखो श्रेया, एक एंगल हमारे पास और है, ई पी ए, ई पी ए इज इक्वल्स टू डी पी बी, डी पी बी ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, क्योंकि पी मिड पॉइंट है ना, तो आप गिवन लिख दो या पी इज मिड पॉइंट भी लिख सकते हो, क्या ठीक लग रहा है, एक ही बात है, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ऐसा भी किसी को, ये सही है, ये भी तो गिवन है। अगर मैं दोनों में एक्स जोड़ दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन जो रिजल्टेंट है वो भी इक्वल आता है, तो हम एक्स इसमें भी ऐड कर दें, इसमें भी ऐड कर दें, तो लिखो ई पी ए प्लस एक्स और डी पी बी प्लस एक्स। अच्छा ई पी ए में अगर एक्स जोड़ दिया जाए तो क्या वो डी पी ए हो जाएगा, इस एंगल में एक्स और जोड़ दो, इस एंगल में एक्स और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये एंगल है ई पी ए और ये इसमें ये जोड़ दो तो पूरा एंगल नहीं होगा, इसमें ये जोड़ दो तो क्या हो जाएगा बताओ, डी पी ए, डी पी ए हो गया। श्रेया आप ही बताइएगा, इस एंगल में मैंने एक्स जोड़ दिया था क्या हो जाएगा, हैं बोलो, डी पी बी ई ना, इसमें ये जोड़ा तो ये हुआ ना, बोलो ई पी बी, ई बोल रही ना, ई पी बी। अब देखो ये इसके इक्वल एंगल, एंगल साइड, अब पूरा एंगल हो गया ना, क्योंकि देखो जो हमारे पास डी पी ए एंगल है वो किसके इक्वल हो गया, ई पी बी, बोलो बात समझ में आ गई, यानी ये एंगल अब इसके इक्वल हो गया कि नहीं, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल हुआ कि नहीं, दोनों में एक्स जोड़ने से ही काम बन गया, तो एंगल साइड एंगल, ये देखो पूरा एंगल एक्स जोड़ दिया ना, और यहाँ भी देखो एंगल साइड एंगल, तो भाई ए ऐसे, फिर से बताऊं कि समझ आएगी बात, भाई ए ऐसे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, समझ गए ना, नहीं समझ, फिर से बताएंगे, भाई ए ऐसे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्रायंगल डी ए पी, नाउ डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू, इसके कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल ई बी पी, तुम तो 10 मिनट पहले आ गई, जगह नीचे ही खड़ी थी, क्यों नीचे खड़ी,
अब देखो नाउ सेट करो देखो हर्षिता हमारे पास एक ये ट्रायंगल है सही और एक ये ट्रायंगल है ओके हमको दिया गया है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है ये साइड इसके इक्वल है और ये भी दिया गया ये एंगल इसके इक्वल है इस एंगल को आप कुछ एंगल वन मान लो या एक्स मान लो अब देखो ए बी डी ई और डी तो हमें ए ऐसे करने के लिए क्या क्या चाहिए बताओ इस ट्रायंगल का ये एंगल इसके इक्वल तो है ही ये साइड इक्वल ये पूरा एंगल इक्वल हो जाए ये इस ट्रायंगल में ये इस ट्रायंगल का एंगल है ही नहीं जब तक ये जोड़ा ना जाए एंगल बनेगा नहीं आप कह दो कि ये हमारे पास ट्रायंगल है लेकिन मैं इतना ही ले लूं तो काम बन जाए आप थोड़ा सा कंसीडर कर लो कोई कंसीडर करेगा रहेगा उस साइड से जितना काट लेंगे तो नहीं होगा दोनों में कट गया लेकिन इस एंगल में ये क्या इधर का कंप्लीट एंगल है यानी मैं अगर ए एस ए लेना चाहूं तो मुझे पूरा एंगल लेना पड़ेगा लेकिन क्या ही पूरा एंगल है जिससे वो इक्वल बोल रहा है नहीं बोल रहा है तो हमें ये जोड़ने पर पूरा मिलेगा तब मैं कह सकता हूँ यस नाउ दिस कंप्लीट एंगल और जो दूसरा ट्रायंगल है उसके कंप्लीट एंगल के इक्वल होगा तो ये एंगल क्या आप ये कहना चाहेंगे जैसे हमारे पास ये एंगल है भाई ठीक है वन टू इक्वल है और इसे एक्स दे दो तो ये जो एंगल है क्या एंगल वन प्लस एक्स है और उधर से देखो तो एंगल 2 प्लस x क्योंकि हमने 1 तो 2 के इक्वल दिया ही था और लेकिन मैंने क्या 1 में x जोड़ दिया और 2 में x जोड़ दिया सही है तो अब तुम क्या कह सकते हो कि जो a एंगल है वो किसके इक्वल है बताओ वो b के है और जो ये साइड है वो साइड के इक्वल है एक एंगल और इक्वल तभी तो a ऐसे लगा ये बात समझ आई अगर आप पार्ट में लेती तो क्या ऐसे लगा बाकी कहते हम इसे नहीं लेंगे इतने पे ही मान लो तो इस ट्रायंगल में क्या इतने एंगल पे कोई मानेगा पूरा लेना पड़ेगा तो पूरा लेने के लिए मैंने क्या जोड़ दिया x जोड़ दिया x जोड़ने से अब मुझे DAP फुल एंगल मिल गया क्या मिल गया बताओ DPA मिल गया कि नहीं बोलो हर्षिता अब इधर भी मैंने x जोड़ दिया तो क्या मिल गया 2 plus x that is DPA so ASA ठीक है अब इसका सेकंड पार्ट देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा चेक करो क्या सीपी सीपी है सेकंड पार्ट ए डी इज इक्वल टू बी तो इसका सेकंड पार्ट देखिए सेकंड पार्ट क्या है ए डी इज इक्वल टू बी प्रूफ अब इसमें अर्पित ये प्रूफ करा रहा है कि ये प्रूफ करो ए डी इसके इट इज इक्वल टू डी ई ए डी बी के इक्वल है तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉन्ग्रुएंट दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होते हैं तो हमने तो प्रूफ कर दिया कि कॉन्ग्रुएंट है तो आपको आप कैसे प्रूफ करोगे कि ये इसके इक्वल है बाई सी एक बार कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो बाई सी पी सी टी ठीक है सो बाई सी पी सी टी दैट इज AD is equals to DE कितनी बात हो गई अब जरा देखो ये चार लाइन अदिति बोल के दिखाओ एंगल A is equals to एंगल B AB equals to AB AB equals to BB और बोलो ए पी ई
ए पी ई जैसा दिया गया, ई पी ए दिया वही लिखो। ठीक है, अगर तुम ऐसा नहीं लिखोगे फिर सृष्टि बोलेगी। डी पी बी फिर ऐसा नहीं होता। आदित्य आगे बता। एंगल ई पी ए प्लस एक्स, एंगल ई पी ए प्लस एक्स, ए से में तो इतना ही ले होगी, पूरा पूरा एंगल ही ले लोगी, छोड़ दोगे। ई पी ए प्लस एक्स इज इक्वल टू एंगल डी पी बी प्लस एक्स, डी पी बी प्लस एक्स। अब बताओ ये एक्स जोड़ने के बाद कौन सा, ये एंगल में ये एक्स जोड़ दिया, अब क्या एंगल हो गया? एंगल डी पी ए, एंगल डी पी ए इज इक्वल टू एंगल ई पी बी, एंगल ई पी बी, ई पी बी, ये ठीक है, कॉन्वेंसी क्राइटेरिया। चलो मयंक बताइए जरा। चलो मयंक, ऐसा कैसे ले रहे हो? रोहन बताओ, पेज नंबर दो, पेज को डाल दो अपनी कॉपी। हाँ बताओ बताओ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ए पी इज इक्वल टू बी पी, क्योंकि एक और बोलो, क्योंकि पी मिड पॉइंट है, ये गिवन है, और बोलो। अब इस एंगल को इसके इक्वल लिखो और दोनों तरफ एक्स जोड़ो, जब इसमें एक्स जुड़ेगा तो क्या ये पूरा एंगल आ जाएगा, और इस वाले में एक्स जुड़ेगा तो क्या ये भी पूरा एंगल आ जाएगा, तो इस ट्रायंगल का ये पूरा एंगल और इस ट्रायंगल का ये तो हो ही जाए। बताओ एंगल ई पी ए इट इज इक्वल टू डी पी बी, फिर एंगल ई पी ए प्लस एक्स डी पी बी प्लस एक्स। अगले आगे बोलिए, डी पी ए कॉन्ग्रुएंट मत बोलो, पहले इक्वल तो करो फिर ए से लगा लें, ये तो इससे और इससे और इससे हो जाएगी नहीं कॉन्ग्रुएंट से, तो डी पी ए किसका इक्वल है? तो क्वेश्चन नंबर 4 और 7 करो। सर हाँ, मैं उल्टा लिख दिया। ये कॉन्ग्रुएंसी को करस्पॉन्ड करनी चाहिए, ये तो हम इसमें जोड़ घटा रहे हैं अपने मन से, कहीं से भी कुछ ले आए। अगर तुम सोचो नहीं हम तो पी नहीं है तो हम ये वाला लिखेंगे डी वाला, तो डी वाला से थोड़ी मिल पाएगा, तो उसमें अगर आप जोड़ोगे तो फिर बाद में कुछ और आ जाएगा, ये उधर नहीं लिख सकते। हमें इस ट्रायंगल की बात करनी ना इधर, तो इस ट्रायंगल की बात करनी तो मुझे यही एंगल लेना पड़ेगा छोटा, और उसमें जब जोड़ देंगे तो अपने आप कौन करस्पॉन्डिंग आ जाएगी चीज़, बोलो बात समझ आएगी। तो इसलिए फुल एंगल के लिए क्या उधर वाला लोगे, इधर ही वाला, जब इस वाले एंगल की बात करें, इधर वाला ट्रायंगल ये है और उधर वाला ट्रायंगल, समझ आई बात? तो ऐसे ही करना पड़ेगा। चलो समझो यही ट्रायंगल, इसको सिर्फ शिफ्ट कर दिया, घुमा दिया, ऐसे ही तो है ना। अच्छा ये लाइन जो जोड़ी गई है वो धोखेबाजी के लिए, वो आपको मिसगाइड करना, उसका और कोई मतलब नहीं। चलो अब आगे देखो, तो इसमें कौन कौन सा है बताओ। दैट इज एक लाइन ऐड कर दी गई है, हाउएवर दैट लाइन इज ऑफ नो यूज, ऐसे अगर जोड़ दिया जाए तो उससे कोई मतलब है, हमें अपने ट्रायंगल पर ही फोकस करना हो, ठीक है ना? ठीक है, सबने दे दिया इधर। ओके जस्मिता आप उसको थोड़ा रख लो, फिर बात होगा। ये हमारे दो ट्रायंगल हैं, तो इसमें क्या क्या दिया है देख लो। एक दिया है ए बी सी, और दूसरा कौन सा है ए बी ई, सही ए बी सी, और एक वही चीज है देखो, ये है ऐसे कर दिया,
देखो ऐसे है शिफ्टिंग कर लो ठीक। चलो तो गिवन क्या क्या है, गिवन में एसी इज ए जो इस इसमें का एसी है शिफ्ट कर दोगे तो वही यही हो जाएगा, यही चीज तो ये उधर शिफ्ट होगा कि नहीं, एसी किसके इक्वल हो गया, एसी इज इक्वल्स टू ए एडी, तो यही चीज है तो शिफ्ट कर दोगे तो एडी किसके इक्वल हो जाएगा, एडी ठीक, एबी इज इक्वल्स टू एडी। और देखो अब इन दोनों ट्रायंगल में एक तो हमारे पास ये ट्रायंगल है उसका ये एंगल दैट इज बी एडी और एक थोड़ा सा मैंने इसको घुमा दिया है वही चीज, लेकिन थोड़ा सा हमने क्या किया रोटेट कर दिया, तो उसमें पहला बता रहा था इसकी ये साइड इसके इक्वल, देखो क्या बोल रहा था ए बी किसके इक्वल है ए डी, और क्या बता रहा था ए सी किसके इक्वल है ए, और रोटेट करना हो तो पूरा रोटेट कर लो ठीक है। सो दिस इज ए डी और ये एंगल इसके इक्वल है, इसी चीज को हमने शिफ्ट कर दिया, दिस एंगल इज कौन सा एंगल किसके इक्वल है जरा देखिए, दिखाया जा रहा है जो इसका एसी एंगल है वो किसके इक्वल है, ये ए एंगल दैट इज इक्वल टू एंगल बीएडी, ऐसा बोल रहा है क्या एंगल बीएडी, बीएडी अब ये नहीं दे रहा इतना ही दे रहा, तो क्या मुझे फिर से कुछ जोड़ना पड़ेगा क्या पूरे एंगल को बराबर करने के लिए, क्योंकि अब एक्स जोड़ना पड़ेगा, ये चीज हम एक्स ले लें बीच में, देख लो तो ये एंगल अब इक्वल नहीं, आधा एंगल इक्वल बता रहा है, एक्स एक्स जोड़ना पड़ेगा ना, या फिर आपको एंगल लिखो, चलो चेक करो ऐसा क्यों करना पड़ेगा आदिति, और कौन सा क्राइटेरिया लगेगा यहाँ देख के बताओ, अगर मैं जोड़ दूं तो ये फुल एंगल हो जाएगा, और इस बताओ ए ऐसे तो नहीं होगा, एस अभी ए कंप्लीट नहीं है, लेकिन जब मैं इसमें एक्स जोड़ दूंगा तो हो जाएगा, और इसमें भी अधूरा एंगल है, लेकिन एक्स अगर जोड़ दिया जाए तो क्या ये पूरा इस पर्पल या वायलेट कलर वाले में पूरा हो जाएगा क्या, ऐसा करने जैसा उसमें किया सही है। तो अब देखो एक टू प्रूव क्या प्रूव करना है, दैट इज बी सी इज इक्वल टू डी, बी सी इज इक्वल टू डी जो वो कह रहा है वो उसकी सीपी सीटी है, उसके पहले तो हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी पड़ेगी ठीक है, तो प्रूफ देखो प्रूफ हाँ बताओ कौन कौन से ट्रायंगल लिए जाए, जरा हर्षिता बताओ इन ट्रायंगल, अच्छा ए बी सी उसी ऑर्डर में लेना जैसे इसमें लिया, एक ने ए बी सी लिया अब दूसरा कह लें सही नहीं बता रही, वही चीज तो ऐसे शिफ्ट की है बताओ है ना ए बी सी, या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है तो सिंगल डॉट डबल डॉट, इन्होंने सिंगल और खाली लिया सिंगल और खाली, लेकिन यहाँ पर भी इनको लेना चाहिए था सिंगल और खाली वाला ए बी वही लेना चाहिए कि नहीं, दैट इज ट्रायंगल ए बी ई, अब कुछ बताइए जरा ए सी ऐसा दे रहा है, तो यहाँ ए सी है ए सी किसके इक्वल है ए सी कहाँ ये, तो ए सी पशु ए, ये तो गिवन है इन्होंने कह दिया भाई ये इसके इक्वल है, चलो अच्छी बात है और बताओ ए बी, ए बी इज इक्वल टू ए बी ये भी गिवन है, एक और चीज बताओ पूरा सवाल हमारा करवा दो तुमको एक पेन दे देंगे, हाय वही पिछला वाला है कुछ नया नहीं है, इसी स्तर का पेन है जो बोलने जा रहे हो,
एंगल ए बी सी ये ट्राई करें, मैं देखता हूँ कहाँ तक पहुँचती लाइन, बता जरा। है वही चीज बिल्कुल सिमिलर है प्लस क्या चीज लिखे बताओ, ये लिखे या ना लिखे एंगल सी अभी ऐसे बीच में मत बोलो, वो बता रही है बी ए डी इज इक्वल टू सी ए वो लिख दे क्या चीज थी बताओ, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, ई ए सी बोला जाए या सी ए अभी हमारा कॉन्ग्रुएंस वो जो करस्पॉन्डिंग पार्ट नहीं आ रहा, जब हम लिखेंगे वैसे बात सही है कि अगर हमें ई ए सी है तो ये सी ए बता रही है ई ए सी की बात, कोई बात नहीं आप ई ए सी लिख दें ई ए सी, क्योंकि ये एंगल आपने स्क्रिप्ट पर बताया है ना मानसी, आगे बताओ अब जो लिखना वो बिल्कुल करस्पॉन्डिंग पार्ट होना चाहिए, अब बताओ किसके ऊपर हो जाएगा, अगर एक में तुम सिंगल से डबल चलना क्योंकि तुम पूरा एंगल हो जाएगा जब जोड़ दोगी, तो दूसरे में भी सिंगल से ही डबल चलना ए बी सी ऐसे नहीं होता सर, बी ए सी हां बोलो पड़ा एक जोड़ दिया आगे बी ए सी, तुम तो भी ए बी सी बताने लगी, ये आ जाएगा इन दोनों को जोड़ दिया एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई आगे बताइए बाय एस ए एस ठीक है आगे बताओ बाय सीपीसीटी ठीक है अभी भी पूरा बताओ, चलो ए सी इज इक्वल टू गिवन आगे बोलिए ए बी गिवन अर्पित बताओ बी ए डी में एक्स जोड़ दिया बताओ क्या आंसर सृष्टि बोलिए जब इधर तुम सिंगल से डबल चल रही हो तो वहां ई से डबल से सिंगल क्या चल रही है डी ए आगे एस ए एस congruency rule यही बोलो जो लिखा होता है ABC is congruent to AD अच्छा बता रही हूँ आगे बोलो so by CPCT BC is equals to DE अच्छा बताया अभिषेक बताओ AC equals to AE AC is equals to AE को लिख लेंगे given आगे बोलो AB equals to AD AB is equals to AD
ये भी गिवन लिख लिया जाएगा एंगल बी ए डी एंगल बी ए डी बी ए सी ये भी गिवन हो जाएगा एंगल बी ए डी प्लस एक्स बी ए डी प्लस एक्स इक्वल्स टू एंगल बी ए सी प्लस एक्स आगे ठीक है अगला सवाल देखो सो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी फूड ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई बाय सी बी सी की दैट इज बी सी इज इक्वल टू डी ई. अब अगले सवाल में कुछ आप लोगों के दिमाग की जरूरत होगी. आर एच एस अगर होगा देखो आर एच एस बताया है पीछे नहीं बताया तो नहीं लगेगा आगे बताएं आगे बताएं तो हम बिना आर एच एस के करेंगे. ओके नहीं बताया ना अभी आगे बताएं तो आगे करेंगे आर एच एस नहीं. चलो एट क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है. राइट एंगल ए बी सी तो और ये सी पर राइट एंगल एम इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी सी का मिड पॉइंट एम था. आगे क्या किया है सी ये सब अभी नहीं बना है ऐसे ही है बस इतना कह दिया कि एम मिड पॉइंट एम इज मिड पॉइंट और सी राइट एंगल है सही. अच्छा एम से सी को ज्वाइन कर दिया इसके बाद एंड प्रोड्यूस्ड टू डी और इसको आगे कहां तक बढ़ाया डी तक इसी को एमसी को आगे बढ़ा दिया सच दैट डीएम इज इक्वल टू सीएम. डीएम किसके इक्वल है सीएम के. फिर क्या किया बताओ डी को बी से ज्वाइन कर दिया इसको बी से ऐसे चलो इतना ही किया गया तो गिवन क्या है ट्रायंगल एबीसी एंगल सी क्या है 90 डिग्री और एम मिड पॉइंट है किसका मिड पॉइंट है एएम इज इक्वल टू डीएम दिया है ना और क्या दिया है सीएम इज इक्वल टू डीएम देख लो इसी को इसको तब तक आगे बढ़ाया जब तक कि ये दोनों इक्वल नहीं हो जाते. That is CM is equals to DM. To prove पहला पार्ट देखिए ट्रायंगल AMC is congruent to ट्रायंगल BMD. दो चीजें तो AMC और BMD. ठीक है अभिषेक बताओ प्रूफ AMC and triangle BMD. AM equals to BM. AM देखो AM और BM क्या इक्वल हैं? चेक कर लो पर और यहाँ भी बिल्कुल ऑर्डर में आ रहे बिल्कुल तो ये गिवन है. अगला बोलो CM is equals to BM. CM is सही है. CM is equals to BM क्यों? Given I बार बोलो. Angle AMC equals to angle BMD. Angle AMC is equals to angle BMD. Why? Vertically opposite angles. Criteria? By SAS.
एस ए एस एस ए एस बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया इट इज ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी. आपका एक टन तो बन गया. अभी सेकंड पार्ट आपसे पूछ रहे हैं. चलो बी डी सी इज राइट एंगल. अब ये पूछ रहा है कि बी डी सी आप नहीं बता पाओगे और किस तरह में इज राइट एंगल. पूरा दिमाग लगाओ कैसे करेंगे. ये कॉन्ग्रुएंट हो गए. ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए. ये ऐसे और ये ऐसे. ये ऐसे कॉन्ग्रुएंट है. थोड़ी हेल्प कर दें. और ये ऐसे कॉन्ग्रुएंट है. बताओ कुछ पता चल ऐसे बीएमसी प्लस बीएमडी प्लस बीएमसी बी एम. अच्छा देखो तो एक दो लोगों से पूछे. मैं दो तीन लोगों से पूछ के फिर बताऊंगा. कुछ आपको इसकी सीपीसीटी से मिल रहा है. इसी की सीपीसीटी से राइटिंग में लोगों कुछ लगाना चाहते हो बोलो. मैं आप क्या लगा हो बोलो. अदिति प्रूफ बाय सीपीसीटी ऑफ इक्वेशन वन by CPCT of equation करो बोलो. ऐसा नहीं होगा. और कोई बता रहा है CPCT से. देख लो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एंगल क्या इसके इक्वल है. वर्टिकली पॉजिटिव एंगल इज बट दीस आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. दीस आर पैरेलल. अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है तो ये पैरेलल हो गया. वर्टिकली पॉजिटिव भी क्या है हैं. बस समझ आ गई. तो अगर ये पैरेलल हो गया तो पैरेलल होने के बाद हम कह देंगे इन दोनों का सम 180 है बिकॉज़ दीस आर पॉजिटिव एंगल्स. तो ये 90 हो जाएगा. बोलो तुम सोच रहे थे कि नहीं सोचा. हम पूछ ही नहीं था तो हाथ उठा देते. वो तो चाहिए था कोई ऐसा. अभी भी बता दो तुम क्या कहना चाहिए. जितना बताया एक पेन आपको मिल जाएगा. पहले रोहन कर लेते हैं. इसका नाम से कर रहा हां सर. एंगल बीडीसी इज इक्वल टू एंगल एसीबी. फिर से बोलो. सीपीसीटी पूरे पे नहीं लगा सकते. यहां से नहीं ले सकते. एम से लेना पड़ेगा फिर फुल एंगल लिख देना. तो तुम यहां की सीपीसीटी लगाओ. कौन सा एंगल लिखे बताओ. बताओ जो एक ऑर्डर में लो. यहां हाँ फिर अगली लाइन में लिख देंगे पूरा एंगल क्योंकि इसकी सीपीसीटी में एम से ही शुरू कर सकते. बता कौन बता रहा है. बता रही हो. हाँ ट्राई करो. एम ए सी ये हुआ ना. तो तुमने एम से लिया. एम ए सी डबल से खाली की हो तो यहाँ से भी कैसे लिया बोलो. जैसा कि उन्होंने एम ए सी लिया तो कैसे लेंगी. एम बी डी. तो ये एम बी डी यही तो है. बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सो ठीक है. सो ए सी इज पैरेलल टू बी डी. आगे बोलो. तो ठीक है. तो एंगल डी बी सी और प्लस एंगल ए सी बी इज 180 डिग्री. को इंटीरियर एंगल्स आगे बोलिए. डीबीसी तो बोलो. हाँ तो बताओ. 90 डिग्री.
90 degree. So angle BBC equals to 180 degree minus 90 degree. So BBC is 90 degree. आप पैक्समैन हो गया है. थर्ड बताइए अदिति. थर्ड पूछ रहा है कि ट्रायंगल DBC एक और पेन जीतने का मौका. DBC is congruent to triangle ACB. पूरा कह रहा है ये फुल इसके फुल के इक्वल है. ये प्रूव करो. प्रूफ इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB. देख लो DBC कौन सा है. अब ये पूरे की बात हो रही है और ACB तो ये पूरा अब इस पूरे के इक्वल है. ये तो एस्टेब्लिश हो चुका है ना. ये 90 है. चलो देखें क्या दिमाग लगाते हैं. इसमें कहां CM BM ले रही है. मैं और किसी से पूछता हूँ. आदित्य के दिमाग लगाए एक दो लोगों फिर तुम्हारे पास आएंगे. मान्य बता ले जाओ. और कौन है आपको दोनों की तेज करो. सर तो कौन है सर. सर डीसी इज इक्वल टू ए. सर वो दोनों अगर इक्वल है. इक्वल होने से नहीं होता. ये चार चार हैं और ये दो दो हैं तो इसलिए DC इक्वल टू ए. कोई मानेगा तुम्हारी बात. तो वो तो तुम बता नहीं रही हो ना. तुम तो उसके चक्कर में पड़ गई हो. मैं इसीलिए और किसी से सब पूछ रहा हूँ. बताओ सब CBCT रखी है लेकिन बताने के लिए बताएंगे क्या. कौन सा DC ना. वो तो DC इज इक्वल टू CB कॉमन. एक और बताओ इसका. पूरी बात करो. एक तो तुमने बता दिया ये हो गया और एक एंगल हो गया. अब एक ऐसे एस लगा दो ना. बोलो बीडी. तो बीडी क्यों एसी के इक्वल है. ऐसा नहीं होता. पहले चीजें इक्वल होती क्या. बीडी इज इक्वल टू CA तो क्यों इक्वल. इसकी सीपीसीटी लो. जब चीज कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी सीपीसीटी क्यों नहीं उठा रही. तो एस ए एस एस ए क्यों एम को बीच में क्यों लाना चाहते हो. एम को मत लाओ. इसकी सीपीसीटी है ना. सी ए बी बोलो. बात समझ आ गई कि नहीं. तो इसलिए क्या हुआ भाई. सीपीसीटी इतना सब मेजर सीपीसीटी के लिए क्या बताओ. एस एस पर इक्वेशन एस पर इक्वेशन वन. ये तो लिखना ही पड़ेगा ना भाई. ये वही बता रहे हैं एस पर इक्वेशन. चलो आगे बढ़ो. एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल. ट्रायंगल डी इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल. एक और पूछा गया CM इज इक्वल टू. इसका भी एक पेन. CM इज इक्वल टू हाफ AB. इसका प्रूफ. रोहन बताओ CM इज इक्वल टू हाफ इज बताओ. इनके बारे में नहीं बता पाएंगे. आदित्य है
मैम नहीं बोलो सी एम, देखो ये सी एम है, इसको हाफ ए भी बताना है। हम इसको सेकंड इक्वेशन लिख लेना है, बताओ तो भाई देख लो, इससे इन्होंने बनाया, बोल रही है कि जब पूरा ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो इन दोनों की हाइपोटेनियस भी इक्वल होगी क्या? तो लिख दिया इन्होंने, किस क्या लिख दिया, इसी से लिख दिया होगा, दैट इज डी सी किसके इक्वल हो गया, देखो यहाँ से डी सी किसके इक्वल हो गया, ए बी बाई सी पी सी टी ऑफ इक्वेशन टू। आगे बोलो डी सी को लिख सकते हो एम सी या सी एम प्लस डी एम, एक ही बात लिख सकती हो, और उसको ए बी चौथा बिंदु हो गया, ठीक है। अब देखो नाउ थर्ड समझो, थर्ड पार्ट में हमें इस पूरे को पूरे इक्वल करना है, तो एक तो ये ट्रायंगल है और ये कौन सा ये, तो बताओ नीचे दोनों में कॉमन होगा, ये 90 तुम सेकंड पार्ट में प्रूव कर चुकी हो, अच्छा ये बताओ ये इसके क्यों इक्वल होगा, यहाँ से देखो बताओ डी बी ए सी के क्यों इक्वल होगा, यहाँ से देखो डी बी कहीं लिखा है, ये डी बी और ए सी ए ये इक्वल होंगे, तो ये चीज इसके इक्वल कहाँ से हुई बताओ, थर्ड पार्ट में इसी से तो हुई, तो अब इन दोनों में देखने से तुम्हें कौन सा क्राइटेरिया नजर आ रहा है, एस ए एस, फोर्थ में बताऊं एक बार समझ आ गया, फोर्थ में अब जब ये दोनों हो गए तो बताओ ये इसके इक्वल हुआ, यानी डीसी, अगर डीसी इसके इक्वल क्यों हुआ, आएगी ये सीपी सीटी सीपी, थर्ड पार्ट में जब ये हो गया कॉन्ग्रुएंट तो क्या ये इसके इक्वल नहीं होगा, दोनों के हाइपोटेनियस इक्वल हो गए, लेकिन जो डीसी है उसका मिड पॉइंट क्या है, एम, तो इन्होंने बोल दिया सी एम प्लस डी एम, क्या बोला बताओ, सी एम प्लस डी एम इज, पहले लिखा डी सी इज इक्वल टू ए बी, और डी सी ना लिख के अब क्या लिख दिया बताओ, सिंपली भी अगर ये लिख देती टू सी एम इज इक्वल टू ए बी तो भी चल जाता, बिकॉज एम इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट होगा तो आधी चीज जो होगी तो वो तो होता ही ना, तो दैट इज फुल को हाफ का डबल लिखा जा सकता, या ऐसे भी लिख सकते हो अगर ये ज़्यादा डीलिंग है, फिर डी एम की जगह सी एम लिख दिया टू लिख दिया हाफ करके, सही है, इसी क्वेश्चन को लिख करके लिखाओ, ये अकेला क्वेश्चन हाँ लिख सकते हो, चलो फिर भी कहीं ना समझ आए तो पूछ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी रुकी हो तो पूछ लेना, ठीक है, किसी को कुछ नहीं समझा, सब इंटर देंगे, उससे मैं पूछना बता दी सेकंड।